तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 8 बेस्ट गेमिंग हेडफोन्स के बारे में। और ये जो गेमिंग हेडफोन्स है ये मैंने कैटेगरी वाइज सिलेक्ट किए हैं, यानी इनमें कुछ हेडफोन्स ऐसे हैं जो कि 1000 रुपये के अंदर बेस्ट हैं और कुछ हेडफोन्स 2000 रुपये के अंदर और कुछ 3000 रुपये के अंदर बेस्ट हैं। और गाइस ये जो हेडफोन्स होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं। जो पहले वाली टाइप है उसमें आपको सिंपल 3.5 mm का ऑडियो जैक मिलता है, जिसे आप आपके फ़ोन, टैबलेट, पीसी, लैपटॉप और प्लेस्टेशन जैसे जो डिवाइस है उनमें इजीली यूज कर सकते हो। और जो सेकंड टाइप के हेडफोन्स होते हैं उनमें आपको 3 जैक मिलते हैं। जो पहले वाला जैक होता है वो ऑडियो के लिए होता है, और जो दूसरा जैक होता है वो माइक के लिए होता है, और जो थर्ड जैक होता है वो RGB लाइटनिंग और हेडफोन को पावर देने के लिए होता है। इन वाले हेडफोन्स को आप PC, लैपटॉप और प्लेस्टेशन जैसे जो डिवाइस है उनमें यूज कर सकते हो, और इन हेडफोन्स को आप फोन में भी यूज कर सकते हो। बट ये वाले हेडफोन्स आपको फोन में यूज नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा बैटरी कंज्यूम करते हैं, जिससे जो आपके फोन की बैटरी है वो जल्दी ही खत्म हो जाएगी। और जो थर्ड टाइप वाले हेडफोन्स होते हैं उनमें आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक तो मिलता ही है, लेकिन उसके साथ आपको एक और 3.5 mm का ऑडियो जैक मिलता है, जिससे अगर आप PC या फिर प्लेस्टेशन में गेमिंग करते हो तो जो वर्चुअल साउंड्स होते हैं तो आप उन्हें भी सुन सकते हो। तो गाइस ये 3 टाइप के हेडफोन्स होते हैं। तो चलिए गाइस अभी मैं आपको हेडफोन्स के बारे में बता देता हूँ। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे दबाकर चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस जो पहला गेमिंग हेडफोन है वो है इसका E900 स्टीरियो गेमिंग हेडफोन। इस वाले हेडफोन के अंदर आपको 15 mm के ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं, और इस हेडफोन में सिंपल 3.5 mm का ऑडियो जैक है, जो कि मोबाइल, PC, लैपटॉप और प्लेस्टेशन जैसे सभी डिवाइसेस के साथ कंपैटिबल है। वेट की बात करें तो गाइस इसमें 270 ग्राम वेट है, तो ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। और ये वाला हेडफोन 3 कलर वेरियंट्स में आता है, रेड, ग्रीन एंड पर्पल। इस वाले हेडफोन की एक ड्रॉबैक भी है कि इसके अंदर आपको कोई RGB लाइटनिंग नहीं देखने को मिलती, और जो अदर फीचर्स हैं जैसे बिल्ड क्वालिटी, साउंड एंड माइक क्वालिटी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। और इसका जो प्राइस है वो है 2300 रुपीज़। सेकेंड गेमिंग हेडफोन है कोकोनट इग्मा GH1। ये बेस्ट वैल्यू फॉर मनी गेमिंग हेडफोन है, क्योंकि इसका प्राइस है 1500 रुपीज़, और जो स्पेसिफिकेशंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जैसे कि इसके अंदर आपको 15 mm के ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं, और ये वाला हेडफोन ट्रायल स्प्लिटर के साथ आता है, तो ये फ़ोन, PC, प्लेस्टेशन और Xbox जैसे सभी डिवाइसेस के साथ कंपैटिबल है। और इस वाले हेडफोन के अंदर आपको RGB लाइटनिंग देखने को मिलती है। ये वाला हेडफोन एक ही कलर वेरिएंट के अंदर आता है, वो है ब्लैक। वेट की बात करें तो गाइस इसका वेट है 480 ग्राम्स, और इसका जो प्राइस है वो है 1500 रुपीज़। स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग गाइस जो इसका प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। थर्ड गेमिंग हेडफोन है बूट इमोर्टल 100D। ये वाला हेडफोन बूट की तरफ से आने वाला काफ़ी अच्छा गेमिंग हेडफोन है, क्योंकि इसके अंदर आपको 15 mm के ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं, और ये वाला हेडफोन RGB लाइटनिंग के साथ आता है। जो वायर की लेंथ है वो भी मोर देन इनफ है। वेट की बात करें तो गाइस इसका वेट है 250 ग्राम। ये वाला गेमिंग हेडफोन 2 कलर वेरिएंट्स में आता है, वाइट एंड ब्लैक, और इसका प्राइस है 3000 रुपीज़। फोर्थ गेमिंग हेडफोन है रेड गेयर कॉस्मिक 7.1। ये वाला हेडफोन रेड गेयर की तरफ से आने वाला 200 के बजट में बेस्ट गेमिंग हेडफोन है। इसमें आपको 15 mm के ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं। ये वाला हेडफोन USB टाइप ए के साथ आता है, तो इसे आप आपके PC, लैपटॉप और प्लेस्टेशन जैसे डिवाइसेज में यूज़ कर सकते हो, और अगर आप इसे फ़ोन में यूज़ करना चाहते हो तो आप इसे OTG अडेप्टर के साथ कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हो। इस हेडफोन में आपको RGB लाइटनिंग देखने को मिलती है। ये वाला हेडफोन 2 कलर वेरियंट्स में आता है, वाइट एंड ब्लैक, और इसका जो वेट है वो है 600 ग्राम्स। प्राइस की बात करें तो गाइस इसका जो प्राइस है वो है 2000 रुपीज़। फिफ्थ गेमिंग हेडफोन है JBL क्वांटम 300 हाइब्रिड। ये JBL का प्रीमियम गेमिंग हेडफोन है। इसके साथ आप गेमिंग तो कर ही सकते हो, लेकिन अगर आप मल्टीमीडिया कंजम्पशन जैसे मूवीज और सॉन्ग सुनना चाहते हो तो वो भी आप इसके साथ कर सकते हो। इसमें आपको 15 mm के ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं। ये वाला हेडफोन आपके सभी डिवाइसेस के साथ कंपैटिबल है। इसमें आपको कोई RGB लाइटनिंग नहीं देखने को मिलती, और ये वाला हेडफोन एक ही कलर वेरिएंट में आता है, वो है ब्लैक। वेट की बात करें तो गाइस इसका जो वेट है वो है 250 ग्राम्स, और इसका जो प्राइस है वो है 4500 रुपीज़। सिक्स्थ गेमिंग हेडफोन है कॉस्मिक बाइट GS410। इसका प्राइस है 1000 रुपीज़, और ये लो बजट में काफ़ी अच्छा गेमिंग हेडफोन है।
इसमें आपको 14mm के ड्राइवर्स मिलते हैं, लेकिन इसमें आपको कोई RGB लाइटनिंग नहीं देखने को मिलती। ये आपके सभी डिवाइसेस के साथ कंपैटिबल है, जैसे फ़ोन, PC, PlayStation, Xbox। और इसका जो वेट है वो है 470 grams। ये वाला हेडफोन बहुत सारे कलर वेरिएंट्स में आता है और इसका प्राइस है 1000 rupees। 7th गेमिंग हेडफोन है एडकॉम विजन 7.1। ये वाला हेडफोन काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, दिखने में भी हेडफोन काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश है। इसके अंदर आपको 15mm के ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं। जो साउंड क्वालिटी है वो डिसेंट है और जो माइक की क्वालिटी है वो भी क्लियर है। ये वाला हेडफोन USB टाइप ए कनेक्टर के साथ आता है। इसका जो वेट है वो है 430 grams और इसका जो प्राइस है वो है 2000 rupees। एट्थ गेमिंग हेडफोन है कॉस्मिक बाइट इक्विनॉक्स यूरोपा 7.1। इस वाले हेडफोन के अंदर भी आपको सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं और इसका डिज़ाइन भी एक प्रॉपर गेमिंग हेडफोन की तरह ही है। इसके अंदर आपको RGB लाइटनिंग भी देखने को मिलती है। जो ड्राइवर्स हैं वो 15mm के हैं। जो वायर की लेंथ है वो भी मोर देन इनफ है। ये वाला हेडफोन USB टाइप ए जैक के साथ आता है, तो ये आपके सभी डिवाइसेस के साथ कंपैटिबल है। वेट की बात करें तो गाइस इसका वेट है 600 grams और इसका प्राइस है 2700 rupees। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप यू लाइक द वीडियो। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।